हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है टैक्स हार्वेस्टिंग, मतलब कि आप शेयर मार्केट में जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं उसके ऊपर आप कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि आप कैसे टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो सेक्शन 112 के अंडर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है अगर आप कोई भी इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अंदर सेविंग करते हैं और उसको सेल करते हैं। तो सेल करने पे आपका जो भी कैपिटल गेन बनता है उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे 2018 से पहले कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लग रहा था, मतलब कि टैक्स 0% था। लेकिन अभी सरकार ने 2018 के बाद यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स 10% लगा दिया है। अब वो थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट ऑफ 1 लाख, तो इसका मतलब है कि अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा कैपिटल गेन अर्न करते हैं लॉन्ग टर्म में तो आपको जो भी 1 लाख के ऊपर का अमाउंट है उसके ऊपर आपको 10% का कैपिटल गेन टैक्स देना है। तो यही चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है 1 लाख की लिमिट का। तो मान लीजिए कि आपने कोई 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं 2019 के अंदर और उसकी करंट वैल्यू 2022 के अंदर हो गई है 11.5 लाख। अब मान लीजिए कि ये जो अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अगर आप 2031 में ये अमाउंट पूरा क्लेम करते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका अमाउंट बन गया है 20.5 लाख। तो यहाँ पे आपका जो कैपिटल गेन निकला वो 10.5 लाख रुपये निकला। अगर यहाँ पे हम 112 के अनुसार अगर इसका कैलकुलेशन करें तो हमारा जो कैपिटल गेन टैक्स बनता है वो 95,000 बनता है। तो इससे बेटर रास्ता ये है कि हर साल आपका जो भी 1 लाख के ऊपर का कैपिटल गेन बन रहा है वो हर साल आप रियलाइज़ करते जाइए। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में समझाया है, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का कैपिटल गेन बन गया, तो यहाँ पे जो भी 1 लाख रुपए कैपिटल गेन बन रहा है उसको आप रियलाइज़ कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका टैक्स लगेगा 0। तो ये वाला जो आपका 1 लाख रुपया है वो आपका आ जाएगा इन्वेस्टेड अमाउंट में। अब नेक्स्ट ईयर आपका फिर से मान लीजिए कि कोई भी कैपिटल गेन बन रहा है, तो मान लीजिए कि फिर से 1.5 लाख रुपये का कैपिटल गेन बन रहा है तो फिर से 1 लाख रुपये का रियलाइज़ कर लीजिए, तो यहाँ पर भी आपका टैक्स बनेगा 0। तो इस तरह से जितना भी 1 लाख से ऊपर आपका अगर कैपिटल गेन जा रहा है तो 1 लाख का टैक्स आप रियलाइज़ कर लीजिए। तो इस तरह से लास्ट में आपका जो 1-1 लाख रुपया है वो इन्वेस्टेड अमाउंट में ऐड होता जाएगा। मान लीजिए कि आप 9-10 साल तक इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो ओरिजिनल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 19 लाख हो जाएगा और उसके ऊपर भी अगर आपका जो अमाउंट है वो 20.5 लाख बना तो आपका जो कैपिटल गेन है वो बनेगा 1.5 लाख। मतलब कि यहाँ पे 1.5 लाख में से अगर आप 1 लाख निकाल देंगे तो आपको सिर्फ 50,000 के ऊपर 5,000 रुपये का कैपिटल गेन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो कैपिटल गेन बना वो ओनली 5,000 बना है। अगर यहाँ पे हम कुछ ट्रांजेक्शन भी देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे जो भी होल्डिंग सेल किया और उसको रीपर्चेस कर लिया तो उसके ऊपर कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेंगे, जैसे जीरोधा में 20 रुपीज़ लगते हैं। अगर आप कोई दूसरे ब्रोकर के साथ जुड़े तो मान लीजिए कि वहाँ पर 40-50 रुपीज़ के आसपास लगते हैं। तो सारा एक्यूमुलेट करेंगे फिर भी आपका ये जो टोटल जो टैक्सेस प्लस चार्जेस है वो 6,000 से ऊपर नहीं होगा। लेकिन सिमिलर केस अगर हम पिछले वाले एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे आपका 95,000 तो सिर्फ टैक्स लग गया प्लस आपका एक बार ट्रांजैक्शन हुआ तो एक बार आपका चार्ज लगा, तो यहाँ पे चार्जेस तो कम है लेकिन आपका टैक्स बहुत ही ज़्यादा लग गया। तो इस तरह से आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेव कर सकते हैं। अब ये तो हो गया टैक्स सेविंग, अब एक बार हम टैक्स हार्वेस्टिंग भी देख लेते हैं। तो टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए सबसे पहले आप अपना कंसोल ओपन कर लीजिए अगर आपका अकाउंट जीरोधा के अंदर है तो। अगर आपका अकाउंट जीरोधा में नहीं है तो भी आपके ब्रोकर आपको टैक्स पीएनएल प्रोवाइड करते हैं, तो टैक्स पीएनएल ओपन करके देख लीजिए कि आपका कितना रियलाइज एसटीसीजी एंड रियलाइज एलटीसीजी बना है। तो ये आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका कितना टैक्स लायबिलिटी बनता है। तो यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, कोई भी ओरिजिनल अकाउंट नहीं है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अभी 2,94,000 रुपीज़ बन रहा है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 3.5 लाख बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ शेयर मेरे पास ऐसे भी पड़े होंगे कि जो मैंने अभी तक सेल नहीं किए लेकिन उसके अंदर मुझे लॉसेस दिखा रहे होंगे। तो जीरोधा के अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है, यहाँ पे आप रिपोर्ट में जाएंगे, रिपोर्ट में आप यहाँ पे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से 2 फिगर दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो करंट पोर्टफोलियो है उसके अंदर इतना लॉस की प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं आज की डेट में ये सारा जो लॉस है उसको मैं रियलाइज कर लेता हूँ तो ये जो लॉस है वो मेरा ऐड हो जाएगा यहाँ पे। मतलब ये मैं मोटा मोटा मान लेता कोई 3 लाख रुपये है और ये 1 लाख रुपये है तो यहाँ पे 1 लाख रुपये माइनस हो जाएगा, तो मेरा जो रियलाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 2 लाख रुपए बन जाएगा।
सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी मेरा यहाँ पे 3.5 लाख रुपये का कैपिटल गेन दिखा रहा है और अनरियलाइज कैपिटल गेन है 1.38 लाख। तो यहाँ पर भी मैं एक राउंड फिगर ले लेता हूँ कि 3.5 लाख का रियलाइज है प्लस 1.5 मेरा अनरियलाइज है, तो इसको मैं अगर रियलाइज कर लेता हूँ तो यहाँ पे जो कैपिटल गेन बन जाएगा वो बन जाएगा 2 लाख। मतलब कि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें 1 लाख रुपये माइनस हो जाएंगे, तो 1 लाख रुपये के ऊपर ही कैपिटल गेन टैक्स देना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले आपको अपना होल्डिंग चेक करना है कि जो लॉस में हो और उसका कैलकुलेशन कर लेना है। तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन कर लीजिए अपने ब्रोकर के साथ। तो यहाँ पे जैसे ज़ेरोधा के अंदर ये सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ जाता है, सिमिलरली दूसरे ब्रोकर में भी आपका रियलाइज और अनरियलाइज गेन और लॉस आपको दिखाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में जो 1 लाख रुपये की लिमिट है उसका बेनिफिट उठाना है। तो सबसे पहले आप अपने 1 लाख रुपये का जो भी प्रॉफिट बन रहा है वो प्रॉफिट को रियलाइज कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि ऑलरेडी आपका 1 लाख रुपये का रियलाइज प्रॉफिट दिखा रहा है तो फिर यह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रियलाइज प्रॉफिट की जगह लॉस दिखा रहा है, मान लीजिए कि 10,000 रुपीज़ का, तो आप यहाँ पे 1.1 लाख का सबसे पहले प्रॉफिट रियलाइज कर लीजिए अगर आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट है तो। फिर दूसरा स्टेप आपको यह करना है कि आपका जितना भी 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट बन रहा है, मान लीजिए कि आपका 1.5 लाख रुपीज़ का रियलाइज प्रॉफिट बन रहा है आफ्टर आपके ए एडजस्टमेंट के बाद, मान लीजिए कि 1.5 लाख का आपका प्रॉफिट बन रहा है, तो यहाँ पे जो 50,000 एक्स्ट्रा हो गए आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, 50,000 अगर कोई लॉस दिखा रहा है तो ये लॉस सबसे पहले रियलाइज कर लेना है। तो ये लॉस दिखा रहा है तो, अगर लॉस नहीं दिखा रहा है तो कोई बात ही नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस नहीं था, तो आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है कि आप एसटीसीजी में अगर कोई लॉसेस है तो वो लॉसेस को आप रियलाइज कर लीजिए। अब एसटीसीजी में जो लॉसेस है उसको रियलाइज करेंगे तो एसटीसीजी का लॉसेस एलटीसीजी के साथ भी सेट ऑफ होता है। यहाँ पे याद रखिए कि एलटीसीजी में अगर आपके लॉसेस है तो वो एसटीसीजी के साथ सेट ऑफ नहीं होते, लेकिन एसटीसीजी में जो लॉसेस है वो एलटीसीजी के साथ सेट ऑफ होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके लॉन्ग टर्म कोई भी कैपिटल गेन 1 लाख से ज़्यादा बन रहा है तो उसको लॉन्ग टर्म के साथ सेट ऑफ करिए। अगर वहाँ पे आपकी लिमिट नहीं आ रही है तो फिर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ करिए। अब दूसरा स्टेप ये करना है कि मान लीजिए कि आपका कोई शॉर्ट टर्म गेन बन रहा है, तो शॉर्ट टर्म गेन का जो भी गेन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस है उसके साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 3.5 लाख का लॉस था और ये 3.18, तो यहाँ पे आपका मैं फिगर ले लेता हूँ 3.5 और 1.5, तो यहाँ पे फिर भी आपका 2 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच गया है। अभी भी आपके पास यहाँ पे 1 लाख का स्कोप है, तो ये 1 लाख आप यहाँ से सेट अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले रियलाइज कर लीजिए तो ये 1 लाख यहाँ से माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास ये कैपिटल गेन बच गया 1 लाख। ठीक है, अब ये 1 लाख भी चले गए, ये भी चला गया, तो आपके पास कोई भी स्कोप नहीं है। तो आपके पास फाइनली जो बचा वो सिर्फ और सिर्फ यही बचा। अब यहाँ पे आप ये लॉस रियलाइज करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड होगे, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 1.94, तो यहाँ पे फिर आपको लगेगा 15% के हिसाब से टैक्स, और आपका ये जो 2 लाख है 1 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आप ये ट्रांजेक्शन नहीं करते तो आपको कितना टैक्स देना पड़ सकता है। अब मान लीजिए कि मार्च का महीना है और आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होने को आया है, तो यहाँ पे आपका जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगा वो 15% के हिसाब से बनेगा, और यहाँ पे आपका जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगा वो 2.51 के ऊपर 10% के हिसाब से बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम मोटा मोटा गिन लेते हैं तो 45,000 के आसपास का आपको टैक्स देना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर हम 10% के हिसाब से गिनते हैं तो भी यहाँ पे आपको 25,000 के आसपास टैक्स देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप जो टोटल टैक्स दे रहे हैं वो बन रहा है 70,000। और अगर मान लीजिए कि आप अगर टैक्स हार्वेस्टिंग करते तो आपका जो टैक्स लाइबिलिटी बन जाता है वो 3.5, 1.5, तो 2 लाख, तो 2 लाख के ऊपर आपका जो 1 लाख एक्स्ट्रा है उसके ऊपर आपका टैक्स बनेगा 10,000 प्लस यहाँ पे 1.07 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा 1.9 गिन लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर मोटा मोटा गिन लूँ तो 28,000 के आसपास टैक्स बनेगा। तो यहाँ पे आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन गया 38,000। अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करते तो आपका जो टैक्स बन रहा था वो 70,000 बन रहा था, मतलब कि आपने 32,000 रुपीज़ का टैक्स यहाँ पे बचा लिया है। आई होप कि ये सारा कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सारा कैलकुलेशन करने से पहले और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मान लीजिए कि अगर आपने FNO ट्रेडिंग किया है और उसके अंदर लॉसेस है, तो सबसे पहले आपको अपने लॉसेस कैलकुलेट कर लेने हैं, क्योंकि ये जो लॉसेस है वो अगर करंट ईयर के लॉसेस हो गए तो आप FNO लॉसेस को कैपिटल गेन और अदर इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि आपका LTCG 10 लाख रुपये का है, STCG भी 5 लाख रुपये का है, और आपको डिविडेंड इनकम मिला है लगभग 50,000 रुपये।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका इनकम हो गया 15,50,000 रुपये। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने FNO में ट्रेडिंग किया और आपको 2,00,000 रुपये का लॉस हो गया। अब ये 2,00,000 रुपये सबसे पहले अगर आप दिखाएंगे तो इसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे, तो आपका जो भी टैक्स लाइबिलिटी बनेगा वो 13.5 लाख के ऊपर बनेगा। तो इसीलिए अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है तो सबसे पहले FNO लॉसेस को यहाँ पे सेटअप कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि FNO लॉसेस दिखाते ही नहीं है और सिर्फ LTCG STCG दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आपको लॉस होता है और बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन होता है तब आपको यहाँ पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो काफ़ी सारे लोग ऑडिट के नाम से डर जाते हैं और अपना FNO लॉसेस नहीं दिखाते। लेकिन यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट अगर आप FNO के साथ एडजस्ट करेंगे तो आपका टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी मार्केट नीचे जाता है तो सबसे पहले आपको अपना टैक्स सेविंग के लिए टैक्स हार्वेस्टिंग करना है, कि जैसे आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिर गया है तो आपको सबसे पहले टैक्स हार्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और अपना जो भी लॉसिस वाले शेयर से उसको सेल करके वापस से रीपर्चेस कर लेने, ताकि आपका जो लॉसिस है वो रियलाइज़ हो जाए और आपका जो रियलाइज गेन है वो थोड़ा सा कम हो जाए, तो जिससे आपका टैक्स लाइबिलिटी कम बन जाएगा। आई होप कि अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो आप किस तरह से अपना टैक्स सेव कर सकते हैं और अपना टैक्स लाइबिलिटी मिनिमाइज कर सकते हैं, उसका पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी मार्केट नीचे जाए या फिर मार्च के महीने में एक बार आप अपना अकाउंट गो थ्रू कर लीजिए और जहाँ जहाँ टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे आप अपना टैक्स सेव कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।